आओ लोगों देखो मिलके साहिब का ये मकान, हम इसमें रहता है, हम इसका निगरान। साहिब हमारा मालिक, साहिब हमारी जान, चौकीदार नहीं है हम है एक तूफान। हम है लाल खान लाल खान, घर के आगे एक चिकान, लाल खान लाल खान, वजह हम है लाल खान, लाल खान लाल खान, घर के आगे एक चिकान, लाल खान लाल खान, ओए ओए। साहब जी, ओए साहब जी, सुबह हो गया। मामू मामू उठो, सुबह हो गया है साहब जी। क्या लाल खान? साहब जी उठ जाओ, ये ब्लड प्रेशर हाई करने वाला मशीन आ गया है, आप इसको पढ़ो और अपना ब्लड प्रेशर हाई करो। उठ जाओ, शाबाश। लाल खान जी। साहब मेरी चाय का बोल दो। हाँ जी, वो याद है, याद है हमको। ओए शापीकर, हेलो। और ये लाश बाद में फ्रिज में ठंडा करना, पहले साहब के वास्ते चाय बनाओ। और लाल खान, मेरा साहब बनने की कोशिश ना कर, तुम ही थे मुलाजम है, मैं भी मुलाजम हाँ, असी दो बराबर थे मुलाजम हाँ। मैं बड़ा बनता रहना, मां पता है मैं क्या करना है, मां अपनी ड्यूटी का चंगी तरह पता है। आए शफीक, हमारा मीटर घुमाओ नहीं, खराब नहीं करो, साहब का वास्ता चाय बनाओ और फिर उनका नाश्ता भी तैयार करो। ये पे करना है, मां नहीं पता मैं रोज साहब वास्ते नाश्ता बनाना होता है, वही पे बड़ा नहीं है, मैं बड़ा बनना है, मामा ना बन, चल जोर काम कर अपना। ओए शफीक, हम तुमसे सीनियर है, हमारे साथ तमीज से बात किया करो, उम्मीद देगा ना इधर से घुमा के आया बड़ा। चल चाय बनाओ। चल चल माता पसरो स्टर्गो का तलवा, फिर की फेर के चला गया सवेरे सवेरे, ये क्या कर रहा है। लाल खान का मलका संगे बगैर जोड़ दे, तुमसे दूर रखे तुम्हारा मलका कैसी होगी? लाल खान तुम कब आएगी? वही मलका, हम जल्दी आएगा, बल्कि हमारा दिल करता हम अभी उड़ के आ जाए, लेकिन तुमको पता है कि काम भी तो करना होता है ना, वो जल्दी आएगा। अच्छा ये बताओ मड़ा के बच्चा लोग कैसे, मासूमान? कौन सा मलका? क्या हो गया है, हमारा कौन सा इतना बच्चा है, नौ तो सिर्फ बच्चे है, कमाल हो गया मलका। वो जमाल खान का क्या हाल है? बिल्कुल ठीक है। और सवाल खान और बबाल खान का क्या हाल है? अब वो भी ठीक है, खेल रहे हैं साथ। अच्छा वो अरबाज खान और जुनेद खान कैसे हैं? सब बिल्कुल ठीक है, खुश है, खुशहाल है बहुत। ओए हमारा जिगर का टुकड़ा का क्या हाल है, पलवशा का? वो भी ठीक है, वो भी तुमको बहुत याद करती है लाल खान, वो बार बार पूछती है हमसे, हमारा पापा कब आएगी, हमारा पापा कब आएगी, हमारा पापा कब आएगी।
ओए 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 मैं कुर्बान, और फिकर मत करो, उसको बोलो कि हम बहुत जल्दी आएगी। मलका खान ये बताओ तुमको क्या चाहिए? आपको तो बस हमारा लाल खान चाहिए। अच्छा, हम साहब से छुट्टी का बात करते हैं, हमको बहुत उम्मीद है जल्दी छुट्टी मिल जाएगी, हम आएगी। अब अपने लाल खान का शिद्दत से इंतजार करेगी। अमड़ा फिक्र मका हुआ, जल्दी आएगी, जल्दी आएगी। खुदाए पामान, खुदाए पामान। लाल खान यार, वक्त फोन से बातें करते थे, घर से फोन थी। अच्छा ठीक है, मैं जा रहा हूँ, जरूरी काम है, 2 घंटे तक आ जाऊंगा, घर का ख्याल रखना। हाँ जी ठीक है जी। और सुनो, होश में रहना जरा। हम एकदम होश में है साहब, आप फिक्र ही ना करें। ये खोलो। हाँ जी। हाँ जी फरमाइए। एक मिनट, किधर? हमारा घर अंदर किधर जाती है? मैं एक आदमी की तलाश में हूँ, मेरा ताल्लुक पुलिस से। पुलिस? कसम खुदा पामांदा, हमने कुछ नहीं किया, हमारा क्या कसूर है? मैं तुम्हें पकड़ने नहीं आया, मुझे किसी और की तलाश है। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का। आपका मुजरिम कौन है, किसको तलाश करती है? अंदर चल के आराम से बैठ के बात करें। कोई कमाल आदमी खुद ही चला गया है यार। एक मिनट, इधर ही बैठ जाओ पुलिस भाई, बैठ जाओ इधर। बहुत शुक्रिया। वैसे मेरा नाम पुलिस भाई नहीं। अच्छा तो फिर क्या है? मोहम्मद आसिफ। अच्छा मोहम्मद आसिफ, वो क्रिकेट वाला मोहम्मद आसिफ? ओए तुम तो जुआ खेलते है साहब। नहीं नहीं, मैं वो आसिफ नहीं हूँ, इंस्पेक्टर मोहम्मद आसिफ। अच्छा अच्छा इंस्पेक्टर, आप चाय पिएगा? अगर पिला दो तो हमारी मेहरबानी हो। हाँ तो क्यों नहीं पिलाएगा, हम चाय पिए बगैर किसी को जाने नहीं देता, साहब का ऑर्डर है। अभी अभी लेके आता है। शफीक, ये तुम क्या दूध को गजों के हिसाब से गर्म करती है? कौन की तकलीफ हो? साहब का मेहमान आया, कड़क से चाय बना के लेके आओ। और बात सुनो, साहब मेरे को बिस्किट मिस्किट भी रख के लाना। और कड़ी मुसीबत चांदी आए। और शफीक, उल्टे हाथ का देगा हम तुम तो इधर से। मुसीबत बोलते हैं मेहमान को, ओए बेवकूफ आदमी, मेहमान तो अल्लाह का रहमत होता है। जल्दी से चाय बना के लेके आओ भाई, अल्लाह दूध काढ़ के बढ़ाना। पूड़ पूड़ नहीं करूं ज्यादा, पूड़ पूड़ी पे ड्रूस करेगा। आवाज मारसी के आगे के खड़ी शीरीनी जड़ बोले रवान देवा। चाय उसके। शुक्रिया। बड़ा खूबसूरत और बहुत बड़ा घर है तुम्हारा। ओ नहीं साहब, हमारा किधर है, तो हमारा साहब का घर है, शमीम साहब का। वो गेस्ट हाउस वाले? ओ नहीं 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 नहीं, वो नहीं, हमारा शमीम, वो भी बहुत अच्छा आदमी है वो। आपको पता है उनका नाम क्या है? खालिद हफीज साहब। एक घर थोड़ा है ये उनका, वो तो वैसे सादा मादा रहता है। अच्छा, वो इस्लामाबाद में भी है एक घर, मरी में भी है, इलाजा भी है, और जमीन वमीन तो बहुत है उधर गाँव में। माशाल्लाह माशाल्लाह, हमारे साहब बड़े अमीर आदमी है। हमारा साहब तो हम सब का बहुत ख्याल करता है जी। तो देखो ना, अल्लाह ने ऐसे ही तो नहीं दिया ना, जो बंदा बंदे का ख्याल करता है फिर अल्लाह उसको बहुत देता है।
साहब के बीवी बच्चे हैं अंदर? वो उधर बाहर होते हैं साहब, उधर अमरीके में। अच्छा, अमेरिका। वो बच्चा बच्चा उधर ही पढ़ता है साहब, साहब बेगम साहिबा भी उधर ही होता है साहब। आप इस इलाके में किसको ढूंढते हैं? हमें इत्तला मिली है कि इस इलाके में कोई एक खतरनाक मुजरिम छुपा हुआ है। मुजरिम छुपा साहब? आपको ये शक तो नहीं है कि हमारे घर आप तलाशी ले लो? ना हम ऐसे, ना हमारा साहब ऐसे। नहीं नहीं, मुझे पता है तुम लोग ऐसे नहीं, ना कोई भी नहीं है। मेरी टीम तुम्हारे मोहल्ले में सर्च ऑपरेशन कर रही है, जल्द पकड़ा जाएगा, तुम फिक्र नहीं करो। हाँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह पकड़ा जाएगा साहब, वो बुरे लोगों को तो पकड़ना चाहिए। साहब आपका आना माना चाहेगा? नहीं नहीं, बहुत शुक्रिया, अभी बहुत काम है, चाय का शुक्रिया। ओ ये किसका खाता आ गया है? आम को लगता है बेगम साहिबा का है, साहब को देता हूँ, खुश होएगा। ये आपको कोई खाता आया लगता है बेगम साहिबा का है, दिखाओ। नहीं मुझे तो लोकल ही लग रहा है। हाँ उफ मेरे खुदाया, ये क्या हो गया? क्या हुआ साहब जी? हमारा बेगम साहब को क्या हुआ? वही 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 हमारा बेगम साहब चला गया वही। और चुप करो, कुछ नहीं हुआ हमें। ये मेरा प्लाजा, इस्लामाबाद वाला घर, मरी वाला घर, गांव की जमीन, ये सब इन लोगों को कैसे पता चला? एक वो भाई आया था पुलिस वाला, वो मुझे कहता है तो आपका साहब कैसे? हमने कहा हमारा साहब कोई आम आदमी नहीं है, बहुत अमीर कबीर आदमी है, वो तो वैसे ही सादा मादा रहता है। लाल खान ये तुमने बताया? हम आपका नाक नीचे तो नहीं कर सकता ना, और साहब हमने खुद बताया है। और बेवकूफ इंसान, वो पुलिस वाला नहीं था, इनकम टैक्स ऑफिसर था। इनकम टैक्स का ऑफिसर? वो क्या होता है जी? ये तुम्हारी वजह से उन्होंने मुझे 1,20,00,000 का टैक्स भेज दिया है। वो 1,20,00,000 रुपया? तो साहब उससे बात बात करके 10,000-15,000 काट करा लो। 15 और लाल खान आए जी।